हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज मैं अनंतपुर पोर्ट के ऊपर हूं। एग्जैक्टली मैं कहां खड़ा हूं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अनंतपुर पोर्ट कहाँ आता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। पहले हम अनंतपुर पोर्ट कहाँ आता है इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अनंतपुर पोर्ट अनंतपुर गांव में आता है। अनंतपुर कर्नाटका महाराष्ट्र स्टेट के बीच का एक बॉर्डर विलेज है। करेंटली ये कर्नाटका स्टेट के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अतनी तालुक में आता है। जब आप महाराष्ट्र से कर्नाटक को एंटर करते हैं ना, उस समय फर्स्ट आपको अनंतपुर गांव लगता है। ये गाँव एग्जैक्टली जज जम्बोटी हाईवे के साइड ही है। दोस्तों, आप स्टार्टिंग में ड्रोन व्यू देखते समय देखे होंगे कि इस पोर्ट 90% डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। बिफोर इंडिपेंडेंस इस अनंतपुर गांव रास्ते सरकार के रूलिंग के अंडर आता था। रास्ते लोग पुणे के पेशवाओं के सामंत थे, मतलब उनके अधीन में आते थे। इस गांव के राजा का नाम था आनंदराव माधवराव रास्ते। उनकी वजह से ही इस गाँव को अनंतपुर नाम आया है। उस समय में इस गांव का नाम आनंदपुर था, वही आगे जाके अनंतपुर बन गया। रास्ते सरकार के लोग विष्णु के भक्त थे। इस पोर्ट के अंदर एक खूबसूरत विष्णु का मंदिर भी था। अब ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। और उस ज़माने में इस पोर्ट के साइड एक खूबसूरत तालाब भी था। आप तालाब को देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यही है वो तालाब। और रास्ते सरकार के राजाओं ने उस ज़माने में इस गांव में एक अंबा भवानी मंदिर को भी स्थापन किए थे। अभी भी वो मंदिर इस गांव में है। जब बीजापुर के सुल्तान इस गांव के ऊपर आक्रमण करते हैं ना, उस समय यहां के राजा इस गांव को और इस पोर्ट को यहां के लोकल लोगों को बेच के यहां से भाग गए, ऐसे यहां के लोग कहते हैं। दोस्तों, ये है इस गांव का हिस्ट्री। इसके आगे कुछ पुरावे नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। जितना बचा है ना, उतने हिस्से को मैं आपको ड्रोन व्यू में दिखाता हूँ। चलिए देख के आते हैं। अब मैं आपको अनंतपुर पोर्ट के कुछ बचे हुए हिस्सों को ग्राउंड लेवल पे दिखाता हूँ। ये है अनंतपुर पोर्ट के महाद्वार। और महाद्वार से जैसे आप अंदर एंटर करते हो ना, इस तरह से व्यू आपको देखने मिलता है। ये साइड पे है महाद्वार पालकों का एक छोटा सा रूम। उस समय पे ऐसे इधर सैनिक खड़े रहते थे। जैसे आप दूसरे पोर्ट को देखते हैं ना, उस तरह का स्ट्रक्चर ही यहाँ था। इधर आप महाद्वार का गेट का लॉक को भी देख सकते हो। अब ये नहीं है, लेकिन उस समय पे बहुत ग्लोरियस होगा। अंदर से इस तरह से ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर लोग निधि के लालच में यहाँ का संपूर्ण वाड़ों को ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके मिट्टी को बेच गए है। यहाँ के गाँव वालों का कहना यह है कि कुछ लोगों को निधि भी मिला है। अभी भी निधि के लालच में ही लोग इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिर्फ एक महाद्वार बचा है।
आप देख रहे हैं ना वीडियो में, सिर्फ ये एक महाद्वार बचा है। इसके सराउंडिंग में 7 वाड़े थे, आप ड्रोन व्यू में देखे होंगे, उनके फाउंडेशंस आपको दिखे होंगे। अब हम अंबा भवानी मंदिर को जाके अंबा भवानी के दर्शन लेके आते हैं, चलिए। दोस्तों अब मैं अंबा भवानी मंदिर को पहुंच चुका हूं, चलिए आपको दर्शन करवाता हूं। मंदिर में जो आप अंबा भवानी का मूर्ति देख रहे हो ना, वो बहुत ही पुराना ज़माने का है। मतलब जब रास्ते गवर्नमेंट यहाँ रूल करता था ना, उस समय रास्ते सरकार ने बनाया हुआ मंदिर है, और मूर्ति भी बहुत पुरातन मूर्ति है। और यहाँ दिन में 2 बार पूजा होती है, सुबह और शाम को विशेष पूजा होती है। और जब नवरात्रि रहती है ना, उस समय में यह उत्सव जागरण इस तरह का कल्चर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में और एक गाँव में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।